देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर सामने आई है फरीदाबाद से। दरअसल खबर जुड़ी है पीयूष हाइट्स रेजिडेंट टावर जेएनके वेलफेयर एसोसिएशन से। इसके अध्यक्ष डॉक्टर एमसी जैन ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब फरीदाबाद में एचआरईआरए के सहयोग से प्रमोटर की छोड़ी गई परियोजना को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 89 में एक परियोजना पीयूष हाइट्स को साल 2007 में पीयूष बिल्डवेल इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया था। इस परियोजना में प्रमोटर ने 14 टावर्स और ईडब्ल्यूएस ब्लॉक को पूरा किया और 2 टावर्स यानी कि जेएनके को छोड़ दिया गया था, उन्हें पूरा नहीं किया गया। डॉक्टर एमसी जैन ने बताया कि वो जून 2018 के महीने में उन्होंने प्रवर्तक कार्यालय का दौरा किया और समझा कि कार्यालय में केवल एक कर्मचारी है। कर्मचारी के साथ चर्चा के दौरान वो इतना तो समझ गए थे कि प्रमोटर ने परियोजना को पूरा करने का जो विचार है वो छोड़ दिया है। वो तुरंत सक्रिय हो गए और स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करना शुरू कर दिया। जी हाँ, उन्होंने किसी डीलर से आवंटियों की सूची बनाकर सभी आवंटियों को स्थिति से अवगत कराया। शुरू में उन्हें सभी आवंटियों को एक साथ लाने में कुछ मुश्किलें आई, लेकिन लगातार कोशिशों से आखिरकार उन्हें 144 में से 124 आवंटियों को एक छत के नीचे लाने में सफलता हासिल हुई। एक एसोसिएशन का गठन किया गया और पीयूष बिल्डवेल इंडिया लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अदालत के निर्देश के अनुसार एसोसिएशन ने शेष कार्य की लागत का अनुमान लगाया और प्रमोटर को भुगतान की जाने वाली शेष राशि और परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धन एचआरईआरए के निर्देश के तहत और वरिष्ठ जिला टाउन प्लानर और जिला टाउन प्लानर फरीदाबाद के सहयोग से जिला आयुक्त फरीदाबाद और पुलिस आयुक्त फरीदाबाद एसोसिएशन ने परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और 26 नवंबर 2021 को 11 बजे से फ्लैटों का कब्जा प्रदान किया। एचआरईआरए ने 26 अगस्त 2021 के अपने आदेश में यह भी लिखा है कि पीयूष हाइट्स रेजिडेंट टावर जेएनके वेलफेयर एसोसिएशन ने दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है और इसी तरह अटकी हुई परियोजनाएं जिनमें हजारों करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति बंद है और हजारों आवंटियों को हो रही शारीरिक और मानसिक पीड़ा पूरी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।